लेकिन हम लोग को क्या पता था कि आज का डेट में यहाँ का जो मुख्यमंत्री या तो मंत्री या तो विधायक का इतना झूठा आश्वासन मिलता, हम लोग को नहीं पता था सर। फेज टू में समायोजन किया जाए, यदि नहीं करता है तो हम लोग आजीवन यहाँ पे हम लोग भी धरना में बैठे रहेंगे। क्यों ना इसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े सर, तो हम लोग अपना जान भी दे देंगे सर। जब हम लोग का नौकरी नहीं रहेगा सर, हम लोग अपना बाल बच्चा को भूखे मरने से अच्छा हम लोग खुद को भूखे मर जाए। तो छोटे छोटे बच्चों को समझाना बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी नौबत ये आ गई है कि मैंने शर्म से बच्चों के सामने रहना मुश्किल हो गया है और ऐसा लगता है कि पूरा परिवार समेत आत्मदाह कर ले सरकार के दरवाजे पर आके। अस्थाई तो दूर का बात है, जो नौकरी हम लोगों का है जिससे हम लोगों के घर का रोजी रोटी चलता है, पेट चलता है, उस पर ये सरकार लात मारने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड के स्वच्छ भारत मिशन में कार्यरत 522 कर्मियों का जो एक अनुबंध है वो 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गया था। तब इन्हें आश्वासन मिला था कि इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार होगा और सकारात्मक रुख होगा और इनकी नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में जब बातें हुई विभागीय स्तर पर 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया जिसकी मियाद जो है 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगी, यानी 3 महीने बाद फिर से जो 522 कर्मी हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पहले भी 44-45 दिनों का तकरीबन आंदोलन ये लोग कर चुके हैं और दोबारा इनको फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है और ये लोग राजभवन के सामने बैठे हैं। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। दोबारा क्यों बैठने की जरूरत पड़ गई? देखिए, सरकार के वादा खिलाफी के वजह से हम लोग दोबारा बैठने का नौबत आ गया, क्योंकि पूर्व में हम लोग 44 दिन धरना कर चुके थे। 44 दिन के में ही हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की जी आकर के आश्वासन दिए कि नहीं, और यहाँ से पेयजल मंत्री से फ़ोन पे वार्ता हुई और उनके द्वारा कहा गया कि नहीं सो, आप लोग धरना से वापस हो जाइए, आप लोग पर यथोचित आपके मांग पर विचार किया जाएगा, आप हमें समय दीजिए। हमने 12 जनवरी को अपना धरना समाप्त किया। उसके उपरांत हम 1-1.5 महीना बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई वार्ता हुई ना किसी प्रकार का। जो आश्वासन आप लोग को मिला था, क्या लिखित कोई लिखित आश्वासन मिला किसी की तरफ से, विभाग की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि? नहीं, लिखित आश्वासन तो नहीं मिला था, लेकिन फोन के द्वारा ही यहीं पर डायरेक्ट बात हुई थी। सारे मीडिया कर्मी लोग थे, उन लोग भी सुने थे बात को। उसके उपरांत फिर हमने धरना थोड़ा, उसके बाद फिर अब सरकार की ये मंशा देख रहे हैं कि इधर हम लोग जैसे धरना समाप्त किए उधर से फिर प्रत्येक जिले में बहाली स्टार्ट कर दिया गया और हम लोग के पद को समाप्त करते हुए पहले हम लोग प्रत्येक ब्लॉक पे 2 स्टाफ काम करते थे, एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, एक सोशल मोबिलाइजर। अब कर दिया गया कि हमारा डिवीजन लेवल पे मात्र 2 स्टाफ रखा गया, रखने की बात कर रही सरकार। और इसमें ऐसा होगा कि एक डिवीज़न में कहीं 10 ब्लॉक है, कहीं 8 ब्लॉक है, कहीं 6 ब्लॉक, कहीं 12 ब्लॉक है। उस हिसाब से 12 दिन 24 आदमी अगर हट जाते हैं उसके जगह मात्र 2 आदमी को रखा जाएगा। तो ये सरकार हमारे लिए तो बहुत कठिन काम कर रही है और हम सभी बेरोजगार हो जा रहे हैं, हमारा परिवार भूखों मरने की नौबत में आ जाएगी ऐसी स्थिति में। अभी तो मान लीजिए अगर सरकार एक्सटेंशन दी है 3 महीने का, लेकिन अगर वो अनुबंध खत्म करने पर ही अड़ जाती है तो आप लोगों के पास विकल्प क्या है फिर आगे? सर, यदि मान लीजिए कि 3 महीने का एक्सटेंशन दी हुई है और ऐसे परिस्थिति में ख़त्म होने के बाद में यदि अनुबंध नहीं करती है तो हम लोग यहाँ पे जो धरना पे बैठे हुए सर, हम लोग का अनिश्चितकालीन पूरा इसी तरह से धरना पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को फेज टू में समायोजन किया जाए। यदि नहीं करता है तो हम लोग का आजीवन यहाँ पर हम लोग भी धरना पर बैठे रहेंगे। क्यों ना इसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े सर, तो हम लोग अपना जान भी दे देंगे सर। जब हम लोग का नौकरी नहीं रहेगा सर, हम लोग अपना बाल बच्चा को भूखे मरने से हम लोग खुद को भूखे मर जाए, हम लोग भी ऐसे मर जाएंगे सर, तो हम लोग क्या करेंगे? नौकरी करके जब हम लोग नौकरी नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे सर। जब तक हम लोग का जो मांग पूरा नहीं होगा हम लोग कहीं पे डटे रहेंगे और हम लोग सब इसी जगह अपना जान भी दे देंगे सर। इसका जिम्मेवार खुद का, यहाँ का अभी जो सरकार वर्तमान में है वो पूरा सारा जिम्मेवारी ले लेगा सर। जो पिछला आश्वासन था उस पर कितना यकीन था आप लोगों को जब आप लोगों ने आंदोलन खत्म किया? सर, पिछला आश्वासन हम लोग को दिया गया था उस समय हम लोग को पूरा विश्वास था कि सर जेएमएम सरकार जो हमारा है, हमारा मांग को वो मानेंगे और हम लोग को यथावत रखा दिया जाएगा। क्योंकि जेएमएम सरकार जो बोलता है कि हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी और जितना भी अनुबंध कर्मचारी को, वो बोला था अपना मैनिफेस्टो में कि हमने आप लोग को यदि मेरी सरकार आती है तो हम
पूरा का पूरा अनुबंध कर्मचारी को अस्थायी कर देंगे। और हम लोग को जब इस तरह से आश्वासन दिया सब, तो पूरा विश्वास था कि हम लोग का नौकरी जो है कि मतलब नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या पता था कि आज का डेट में यहाँ का जो मुख्यमंत्री या तो मंत्री या तो विधायक का इतना झूठा आश्वासन मिलता, हम लोग को नहीं पता था सर। इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर कि देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पिछला बार का जो मानसून सत्र जो था, जिसमें हमारा जो विधायक जो थे CPC, उन्होंने बहुत बेहतर तरीका से विधानसभा में बात को उठाया गया था। और यही क्वेश्चन मिथिलेश ठाकुर को बोला गया था कि भाई आप इस SBM कर्मचारी को आप क्यों हटाया जा रहा है। तो हमारा मिथिलेश ठाकुर पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा एक ही क्वेश्चन किया गया कि ये लोग को हम लोग नहीं हटा रहे, जबकि ये लोग का जितना भी जो पोस्ट है हम लोग क्रिएट करेंगे, इस तरह से वहाँ भी बोला गया। तो बताइए सर, एक संवैधानिक जगह में इस तरह से गुमराह किया जाता है, एक संवैधानिक जगह में जो गुमराह किया जाता है, तो बताइए हमारा झारखंड का विधानसभा का मतलब झारखंड का क्या स्थिति है सर। यहाँ के नौ बेरोजगार युवा के प्रति कितना छल किया जा रहा है सर। तो आदमी जाए तो जाए, किसके पास में अपना मतलब दुख और दर्द को सुनाने के लिए जाए। हमारा जनप्रतिनिधि आता है, हम लोग चुन के भेजते हैं, तो हम लोग एक ही उम्मीद लेके चलते हैं कि सर अगर हमारा जनप्रतिनिधि है तो हमारा लाइफ या तो हमारा भविष्य और हमारा विकास के लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन हम लोग को नहीं पता था कि यहाँ का मंत्री और यहाँ का MLA का इस तरह से विचार होता है कि विधानसभा में भी इतना गलत तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, इतना झूठा क्वेश्चन किया जाता है। तो बताइए पूरा राज्य का क्या स्थिति है। दीदी, आप लोग को कितना साल हो गया सेवा देते हुए स्वच्छ भारत मिशन में? हम लोग को मतलब हम लोग 2012 से हैं और इतना दिन से अभी हम लोग सेवा दे रहे हैं, 8-9 साल बाद अभी आप लोग को सड़क पर बैठना पड़ गया, अनुबंध खत्म करने की बात है, कैसा लग रहा है? बहुत ख़राब लग रहा है, इतना दिन से हम लोग काम किया और अभी अचानक हटा दिया जाएगा, दूसरा बहाली में हम लोग नहीं भी आएंगे तो हम लोग को तो ख़राब लगेगा ही नहीं। तो इसलिए तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर फिर से आए हैं, 44 दिन का पहले किए थे, लेकिन अभी दोबारा मतलब आश्वासन पर हड़ताल ख़त्म किए थे, लेकिन 1.5 महीना हो गया फिर भी और दोबारा हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर और आए हैं हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जो फेज 2 की बहाली की बात की जा रही है, कोई उम्मीद है कि आप लोगों को, अगर मान लीजिए सरकार अड़ी जाती इस बात पर कि फेज 2 का ही हम करेंगे, तो आप लोगों के लिए कुछ संभावना है उसमें? हम लोग के लिए कुछ भी संभावना नहीं है, और हम लोग के जगह में 2 ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें केवल 2 लोग को रखने का ही बात कही जा रही है। और आपके चैनल से, आपके न्यूज़ से और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि हम लोग को जब 44 दिन के पिछले दिसंबर में हम लोग को जब 44 दिन का धरना, हम लोग का यहां धरना स्थल राजभवन के सामने हम लोग जो धरना दिए थे, उसमें हमारे माननीय विधायक बंधु तिर्की जी हम लोग को यही बोले थे कि आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, कोरोना काल है। हम लोग धरना तोड़ने के लिए बिल्कुल भी हम लोग सहमत नहीं थे, हमारे सारे SBM कर्मी, तो हम लोग को वे आश्वासन दिए थे कि आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए, कोरोना काल है, सबके मतलब जिंदगी है। तो और उसमें फ़ोन के माध्यम से भी हम लोग को पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी उनको फ़ोन किए और हम लोगों के सामने विश्वास ही नहीं, हम लोग को फ़ोन से बात कराए, उनके सामने किए कि ये लोग 44 दिन से हैं यहाँ पे, सारी परेशानी का सारे परेशानियों का सामना कर रहे हैं हमारे सारे बच्चे, तो इस धारणा को ख़त्म करके आप कुछ बोल दीजिए, इस तरह का बात पेयजल स्वच्छता मंत्री को फ़ोन के माध्यम से वो बात कराए थे। तो स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर हम लोग को यही बोले थे, हाँ हम लोग को बोले थे कि उनको काम से नहीं हटाया जाएगा, पुनः हम लोग को उसके बातों पे उसके विश्वास से हम लोग उस धरना को समाप्त कर दिए। लेकिन भी आज हम लोग को फिर से रोड में आना पड़ा। मैं आपसे विनती करती हूँ आपके चैनल से कि हम लोग को पुनः आप हमारे काम पे वापस भेज देवे और हम लोग को आगे जो काम करना है फेज 2 में वो रखें, हम लोग काम करेंगे, हम लोग काम कर चुके हैं और हम लोगों का 10 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है कि हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में सेवा दे चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम या दूसरा काम के लिए हम लोग हाँ नहीं आप जैसे एक चीज़ है, आप लोग मतलब आप 2 चीज़ें हैं, एक तो आप राज्य के लिए सेवा दे रही हैं, फिर अपना घर संभाल रही हैं, ठीक है, कितना मुश्किल होता है बार बार यहाँ आकर बैठना, गुस्सा आता होगा अंदर से? गुस्सा आने की तो बात नहीं, लेकिन हमारे हेमंत जो CM है वो हम लोग पे रहम करें और हम लोग का जो दुख है दर्द है या तो हम लोग जिंदगी जीने के लिए हम लोग को मात्र 10,000 ही पैसा मिलता है मानदेय, ना कि हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है, उसी 10,000 में हम लोग फील्ड घूमते हैं, उसी 10,000 में हम लोग अपना पेट भी चलाते हैं और परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं निकाला जाए काम से, यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी और मेरी जो बातें हैं उनको आप
सामने लाइए और हम लोग को पुनः वापस काम में भेजिए, यही मैं आप लोगों से विनती करती हूँ। दीदी, आप लोगों को प्रॉमिस किया था, बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया, आप लोगों ने धरना खत्म कर दिया, पेयजल मंत्री ने बोला सकारात्मक विचार होगा, लेकिन जब ये वादा खिलाफी होती है तो एक आक्रोश मन में होता होगा ना, तो नाराजगी होती होगी, कैसा होता है? बिल्कुल, आक्रोश तो मन में होता है और हमें अफसोस भी होता है कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय मुख्यमंत्री के ही सत्ता पक्ष के हैं और उन्होंने आके ये आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर हम कुछ ना कुछ करेंगे, और जब हमारे सामने उन्हें टेलीफोनिक वार्ता हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी से किए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही विश्वास था कि उन्होंने भी कहा कि एक महीना के अंदर हम लोग इनको रखेंगे, इन लोगों को काम से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन हम लोग गए और कुछ जिला में जो बाकी था वैकेंसी निकालना वो भी निकाल दिया गया। जब वैकेंसी मतलब हम लोगों के पक्ष में नहीं खिलाफ में होने लगा तब पुनः हम लोगों को आना पड़ा, और हम लोग अब यही चाहते हैं कि अगर ये शांतिपूर्ण धरना से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग अंतिम में उग्रवादी धरना भी करेंगे, उग्र भी करेंगे। लेकिन यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जो समायोजन चाहिए, हम लोग को एक सूत्री मांग है, केवल समायोजन, इसके अलावा कुछ। प्रॉब्लम क्या है सरकार को? आप लोग 10 साल सेवा दे चुकी हैं, अनुभव है, परेशानी क्या है समायोजन कर? ये सवाल तो सरकार से करनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारे वजह से एक अवार्ड मिला है, यहाँ तक कि मंत्री महोदय से जा करके अवार्ड लिए हैं, दिल्ली में अवार्ड लिए हैं, हमारे बल पे लिए हैं, ना कि हमारे ऊपर में बैठे हुए आला अधिकारी की वजह से। उन्होंने केवल निर्देश करते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले हम हैं, और हमारे वजह से आज उनके नाम अगर ऊंचा हुआ है तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? ये सवाल तो हमें सरकार से करने है कि क्यों हटाया जा रहा है, ये कारण बताया जाए, ये कारण तो हमें खुद पता नहीं है। अगर सरकार इसी बात पर अड़ जाती है कि दूसरे फेज के तहत नए सिरे से ही बहाली होगी, तब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल कह सकते हैं कि झारखंडी युवा के साथ ये छलावा होगा। जिस प्रकार से हेमंत सरकार के द्वारा मतदान के पूर्व उनके द्वारा ये वादा किया गया था कि अनुबंध कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है पूर्व के सरकार में उनके द्वारा ये कहना था, तो मेरी सरकार आते ही अनुबंध कर्मियों को अस्थाई क्या, समायोजन की बात तो थी ही, साथ ही साथ अस्थाई करने की बात थी कि झारखंड के जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको अस्थाई किया जाएगा। अभी ये स्थिति अस्थाई तो दूर का बात है, जो नौकरी हम लोगों का है, जिससे हम लोगों के घर का रोजी रोटी चलता है, पेट चलता है, उस पर ये सरकार लात मारने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग आखिरी दम तक लड़ने का प्रयास करेंगे, जब तक है जान, आस है हम लोगों को, हम लोग यहाँ छोड़ करके नहीं जाएंगे और निश्चित रूप से सरकार हम लोगों का बात मानेगी, ये आशा रखते हैं। अभी जो खत्म होने की बात चल रही है, जैसे 31 मार्च को आप लोगों का अनुबंध खत्म कर दिया जाएगा, जो टेक्निकल बातें हैं, आप लोगों में से कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अब उम्र के हिसाब से कैपेबल नहीं है, युवा नहीं रहे, वो अलग बात है कि राजनेता 45, 54, 50, 60 तक युवा रहते हैं, फिर क्या कीजिएगा आप लोग? अभी तो कोई और फॉर्म भी नहीं भर सकते, अब हमारे लिए कोई उपाय भी नहीं है। अब खुद मैं जो है सो कैपेबल नहीं हूँ, मैं 50+ एज का हूँ, और हमारे अंदर इतना अनुभव है स्वच्छ भारत मिशन के जितने कार्य हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से सरकार को कि हम लोग से ज़्यादा अनुभवी नहीं आ सकते हैं। हम लोग के अनुभव के आधार पर झारखंड सरकार कई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ तक कि हम लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो विदेश के प्रतिनिधि हैं यहाँ की स्वच्छता को देखने के लिए, विदेश जैसे नाइजीरिया की टीम आई वहाँ, मतलब उसको बोला जाए तो वहाँ के जन प्रतिनिधि, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के मॉडल को देखा कि यहाँ पर कैसे काम हुआ है। अब दुख की बात यह है कि इतना कार्य करते हुए, इतने पुरस्कार सरकार को दिलाते हुए हम लोगों ने आज तक अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन कैसी सरकार है और कैसी विभाग में बैठे हुए लोग हैं कि इस उम्र में भी जो सो उनको जरा सा सिकन नहीं आ रही कि कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे। तो भाई उनका तो हो गया है, पूर्ण हो गया है कि हम नियुक्ति निकालेंगे, लेकिन हम जो है सो इतने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जहाँ तक होगा, जब तक जान रहेगा मैं लड़ूंगा।
आप एक फैमिली है जिसको 10 साल से आपने इसी नौकरी की बदौलत पाला है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, घर का राशन हो, वो लोग भी तो आप सवाल पूछते होंगे कि अगर 3 महीने बाद बेरोजगार हो जाएगा तो क्या। अभी हमारे बच्चे इस विद्यालय जाते हैं, अभी एनुअल चार्ज लगने वाला है, एडमिशन कराना है, सभी बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा सारे लोग मेरे दोस्त लोग एडमिशन करा चुके हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आप आजकल ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं पापा, आजकल आप रांची ही रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को समझाना बताना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी नौबत ये आ गई है कि मैंने शर्म से बच्चों के सामने रहना मुश्किल हो गया है और ऐसा लगता है कि पूरा परिवार समेत आत्मदाह कर ले सरकार के दरवाजे पर आके, कोई उपाय कोई कुछ सोचता नहीं है। अब उम्र भी निकल गई कि नया बहाली में हम लोग जाए। अभी एक एक जो आपने कही शर्म की बात, मतलब एक तरह से देख लें कि जो सफाई का काम है वो सबसे मतलब एक कहें कि पवित्र काम है, प्रधानमंत्री तो पैर भी धोते हैं बनारस में हाल ही में, तो आपको क्या लगता है जो सरकार ये सब करती है, पैर धोना, हाथ धोना, पैर छूना, और जो आपकी हकीकत है, क्या कहेंगे? हम लोग तो प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ पैर धोए थे, हम लोग तो मैंने हगल को उठा के हम लोग हाथों से उसको किनारे फेंके थे, लोगों को जागरूक किए थे, देखिए ये हगल है इसे कितना तरह की बीमारी फैलता है, प्रैक्टिकल करके ओरिजिनल करके हम लोग दिखाया लोगों को, उसको मतलब इतना जागरूक किए, इतना उसको शर्मिंदगी महसूस कराए कि लोग सब शौचालय का इस्तेमाल करने लगे, बाहर में शौच करना लोग भूल गए और उसी का फल आज हम लोग को मिल रहा है, आज हम लोग भुगत रहे, आज हम ही लोग नौकरी से बाहर हो गए। क्या रणनीति क्या है, कब तक आंदोलन चलेगा? जब तक सांस है तब तक आंदोलन करते रहेंगे। पहली बार इतिहास में झारखंड में इतना धोखेबाज सरकार आई, चुनाव से पहले बोली थी कि आपका जो है सर्विस जो है हमारे सरकार आते ही आपको अस्थाई किया जाएगा, आपका मानदेय बढ़ोतरी किया जाएगा, और जैसे ही सरकार बनी इसका जस्ट उल्टा करके हम लोग को सरकार बाहर कर दे रही है और नया बहाली निकाल रही है, और वो भी बहाली मात्र दो दो आदमी जिला में दो ही आदमी कर रही है, उसमें भी हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो SBM कर्मी हैं, पहले भी ये लोग 40-45 दिन का एक आंदोलन लंबा कर चुके हैं, मांडर से विधायक हैं बंधु तिर्की, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार होगा, वो सरकार के सामने रखेंगे। पेयजल मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने फ़ोन से बातचीत कर ये ठोस आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार होगा, नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि 31 मार्च 2022 को इनका जो अनुबंध है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और 522 जो कर्मचारी हैं एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, कहीं भी दोबारा बहाली में नहीं जा सकते, और उनके लिए पिछले 10-12 सालों से जो आजीविका का साधन है वो केवल ये नौकरी थी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो काम कर रहे थे। उम्मीद है सरकार कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल निकालेगी और इनकी जो स्थिति है उसको भी मद्देनज़र रखेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRBPO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे अलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRBPO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRBPO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIBM। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in